हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विथ नेहा। तो आज के इस वीडियो में हम टेबल का ट्रिक लेकर आए हैं, मतलब पहाड़ा लिखने का शॉर्ट ट्रिक जिससे आप आसानी से लिख सकते हो। तो आज हम 18 का, 19 का और 20 का बताएंगे, क्योंकि एक बार ही आप 20 तक या ज्यादा टेबल का ट्रिक सीखिएगा फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि किसमें क्या ट्रिक यूज करना है। तो इसीलिए हम सिर्फ 3 ही लेके आए हैं जिससे आप आसानी से कम वक्त में समझ सके। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे सिंपल सा अगर हम लिखते हैं तो इतना तामझाम नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्या होता है जो टेबल होता है वो हम लिखते हैं, मतलब पहाड़ा लिखते हैं। पर टेबल होता है, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं कि ऐसे मल्टीप्लाई करके और जितने का टेबल हो मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखते हैं। तो डायरेक्ट आंसर हम कैसे लिखेंगे आसानी तरीके से, इसमें देखिए दो ट्रिक है। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो कोई भी टेबल तो और आसान है। जैसे यहाँ देखिए, एक से पहले 8 में गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। उसके बाद 2 से 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 2 16 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ 6 लिखेंगे क्या, 16 का कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसके बाद 2 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी 1 था तो यहाँ पे हो जाएगा 3 36। तो हम मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, पर हम डायरेक्टली आंसर बताएंगे कि बिना मल्टीप्लाई किए बिना टाइम बर्बाद किए हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक एक्स्ट्रा पेज ले लिया है। ये ट्रिक बहुत ही आसान है क्योंकि मैंने ये ट्रिक बच्चों पे भी यूज करके देखा है, उन्हें जल्दी से समझ में आया है और वो एक बार और दो बार रिपीट करने के बाद वो कभी भी नहीं भूले हैं इस टेबल को। तो सबसे पहले कितने का, 18 का टेबल लिखना है, तो हम 18 तक काउंटिंग लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने 18 तक काउंटिंग लिख लिया है क्योंकि मैं हमको 18 का टेबल लिखना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 1 को यहाँ लिखेंगे, ठीक 1 को लिखेंगे, उसके बाद एक अंक को गैप करके लिखेंगे। 1 को लिखे हैं तो इस 2 को नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, 4 को नहीं लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, फिर 6 को, 5 को हम लिख दिए हैं, 4 को नहीं लिखे हैं तो 6 को क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, तो हम किसको लिखेंगे, 7 को लिखेंगे, 8 को नहीं लिखेंगे, 9। यहाँ पे एक याद रखिएगा, 9 और 10 दोनों लिखाएगा, ठीक है ना, 9 को 10 को लिख दिए, तो हम 11 को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 12 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद 12 लिखा गया तो 13 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 14 लिखेंगे, ठीक। 14 के बाद 15 यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 14 लिखे हैं तो हम क्या बताए हैं, एक अंक को गैप करके, सिर्फ 9 और 10 लिखाएगा, उसके बाद एक अंक गैप कर करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 14 लिख दिए हैं तो 15 नहीं लिखेंगे, 16 लिखेंगे, और 17 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 16 लिखे हैं तो 18 लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद का ट्रिक क्या है, यहाँ सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 लिखेंगे और 2 का टेबल ये स्टार्ट करेंगे, 2 1 2 2 4 6, और 6 के बाद कितना, 8, और 8 के बाद कितना रिपीट करेंगे, 0 लिख देंगे, 8 के बाद कितना आता है, 10 आएगा, तो 10 का सिर्फ हम 0 लिखेंगे, और फिर 2 का टेबल, 2 4 6 8। देखिए ये 18 का पहाड़ा हो गया 18 का टेबल। तो इस तरीके से एक अंक हम गैप कर करके लिखेंगे, उसके बाद 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 का टेबल लिखेंगे, उसके बाद जहां 8 के बाद 10 आएगा तो फिर 0 लिखेंगे, मतलब 8 के बाद 10 आएगा तो 0 लिखेंगे, फिर 2 का पहाड़ा है वो रिपीट करके 8 पर यहाँ हमारा एंड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आई होगी, ना समझने की कोई चांस ही नहीं बनती है। तो अब देखिए 19 का टेबल सेम इसी प्रक्रिया से करेंगे, जैसे अब देखिए 18 तक का पहाड़ा हमको करना था 19 का टेबल, तो अब यहाँ 19 तक लिखेंगे क्योंकि 18 का लिखना था तो हम 18 तक काउंटिंग लिखे, अब 19 का लिखना था तो 19 का काउंटिंग लिखेंगे, ठीक ना। अब फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जिससे जैसे इस ट्रिक में अजमाया है वैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 नहीं 5 लिखेंगे, 6 नहीं 7 लिखेंगे, 8 नहीं 9 लिखेंगे, 10 नहीं 11 लिखेंगे, यही एक दोनों में
सिर्फ छोटी सी पॉइंट है कि इसमें 9 और 10 दोनों लिखेंगे और इसमें 10 नहीं लिखेंगे, पूरा को एक अंक गैप करके लिखेंगे। 10 के 11 लिखे हैं तो 12 नहीं 13 लिखेंगे, 14 नहीं क्या 15 लिखेंगे, 16 नहीं 17 लिखेंगे, 18 नहीं 19 लिखेंगे। ठीक, अब उस पेज का काम खत्म था। तो इसमें हम टेबल लिखे हैं, अब याद रखिएगा कि 18 के टेबल में 2 का पहारा मतलब साइड से लिखना है, और 19 में हम काउंटिंग लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इस साइड में एक अंक को गैप कर करके एक लिखिएगा, एक छोड़िएगा, एक लिखिएगा, एक छोड़िएगा, उसके बाद नीचे से 0 से स्टार्ट कीजिएगा और गिनती लिख दीजिएगा 9 तक, मतलब जितना तक यहाँ तक आ रहा है उतना लिख दीजिएगा, काम खत्म है टेबल का। और इसमें 18 में क्या करना है, गैप कर करके ही लिखना है, पर 9 और 10 को गैप नहीं करना है, 9 और 10 को लिख देंगे और 2 का पहारा लिख देंगे। अब 20 का देखिए, ये तो बहुत ही आसानी है, आप लोग को शायद आता भी होगा, पर देखिए 2 का पहारा हम पूरा सिंपल लिखेंगे, पूरा 10 तक, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये 2 का पहारा लिखेंगे, 20 के टेबल में 2 का पहारा पूरा में लिख देंगे, और 0 0 या तो ऊपर से 0 लिखिए, नीचे से 0 लिखिए, कहीं से भी पूरा में 0 0 लिखते चल जाना है। देखिए पूरा में 0 0 हो गया। तो ये हमारा रहा 18 19 और 20 का टेबल ट्रिक। बहुत ही आसान तरीके से दोनों सेम है, सिर्फ एक एक अंक का गैपिंग करना है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, ना समझने के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से शॉर्ट ट्रिक में बताया है और दोनों में सेम कंडीशन है, अलग है कुछ नहीं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। और हाँ, और टेबल की ट्रिक आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।